गीतार वर्णित जो प्रकार कर्मकांड कर्मजोग भक्ति जोग ज्ञान जुग विषाद जुग वैराग जुग पुरुषोत्तम जुग आदि जो अध्याय अध्याय वर्णना करत्यंत मर्मस्पर्शी एवं हृदयस्पर्शी एवं तहार विश्लेषण जदि आम जापर तार निश्चित भाव आम एक महामानव परिणत हो पार जार प्रत्यक्ष प्रमाण स्वयं महात्मा गांधी निजर जीवनी रे लिखी जाइंट जे आज जदि से एभली दुर्दश ब्रिटिश सरकार को भारत भूमि विताड़ित करवल गीतार आदर्श द्वारा ही करी गीतार विद्वत्ता द्वारा ही करी गीतार परिचर्या द्वारा ही करी आमर धर्मशास्त्र एते शक्ति अच्छी धर्म एते शक्ति अच्छी जहाँकि आम जीवन को से परिवर्तन करने सहित बिना गुली गुलारे बिना रक्तपात अहिंसा बल रे दुर्दश ब्रिटिश सरकार भली एक बाहिनी को मध्य निजे महात्मा गांधी असहयोग बल रे आज भारत भूमि विताड़ित करी पारिले जहाँफल आज आम मुक्तिर स्वाद भारतीय माने चाखी पारुचु ताहा ही गीतार अवदान तेणु आज गीतार तर्जमा एवं गीतार परिप्रकाश एवं गीतार बलिष्ठ जुक्ति आम जीवन को जे निश्चित भाव सरस सुंदर सुखमय कर गढ़ी पार एथिरे तेरेमात्र संदेह ना किंतु आमे प्रत्येक दिन गीता को पढ़ा दरकार एवं गीतार प्रत्येक पंक्ति को आम जीवन में धारण करने दरकार तेणु एक क्षेत्र में ईश्वरीय विश्वविद्यालय विभिन्न प्रकार आलोचना पर्यालोचना तर्जमा कराकि गीतार वर्णित चरित्र आपण मैंने देखा पाँच अर्जुन चरित्र अर्जुन हिसाब से जड़े छ फुट्र लंबा व्यक्ति विशेष को देखी दिखाई जे कि अजेय अर्थात कहीं जय करन से सब बड़े स्थिर चित्त भगवान संपूर्ण सहयोगी एवं भगवान सखा हिसाब से चित्रण कर दि जाएगी से क्षेत्र में अर्जुन कौन सी व्यक्ति विशेष नुहति आम समस्त जड़े जड़े अर्जुन हिसाब से जदि गीता को नहीं आम निज जीवन को परिचर्या करवा तेब जा आम जीवन में किसी परिवर्तन हो पार किंतु आम आज गीता को अर्जुन पर भगवान शुणी आमर से कौन कहार ना तेणु ताकूद नवा तेल प्राक्टिकल एप्लिकेसन आम जीवन में अर्जुन भाया आसीपर ना आम निश्चित भाव आम जीवन संग्राम फेल हो तेणु भगवान शिक्षा देते अर्जुन देख काम क्रोध नर्कर द्वार कामेशु क्रोधेशु तुम्हें काम को जीत एवं क्रोध को जीत माया को जीत निद्रा को जीत तेणु यही जो प्रकार बलिष्ठ जुक्ति भगवान प्रति अध्याय शिक्षा दे जाइंट तेणु से सब जुक्ति को जदि आम जीवन पर आम ग्रहण करवा गोटे उदाहरण देखूँ आम कौ काम विकार जदि काम विकार को आम जीति जापर ताल के बड़ समस्या आम जीवन समाधान हो पार क्रोध को जदि जीति जापर ताल आम जीवन में आसुवा प्रति क्षेत्र में जो प्रकार हताशा निराशा उदासा एवं कलिगोल आज देश देश भितर गाँ गाँ भितर एवं इंटरनेशनल क्षेत्र में जो प्रकार युद्ध आज राइज करुच्छी तार समाधान हो पार तेणु कह जाए जे वार्स बिगिन फ्रॉम माइंड अर्थात मन भितर ही क्रोध जात हुए क्रोध मन भितर जात हेल्ले से ही प्रथम युद्धर रेखापात हुए तेणु जदि आम जीवन रु जदि आम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भलिया मानसिक विकार को आम हटाई पार्टी आम बाहर कर दे पार मूल उत्पाटन कर दे पार ताल निश्चित भाव आम जगत बा आम दुनिया एक शांतिर साम्राज्य में परिणत हो पार यह केवल गीता ज्ञान द्वारा ही गीतार बलिष्ठ जुक्ति द्वारा ही संभव से ही भाव निद्रा जीत हाँपी भगवान गीतार अर्जुन को कहते अर्जुन गुड़ा केश तुम्हें निद्रा को जीत आज देखु कहा जाए जदि आम धनी हाँपाई चाहूँ तेल गोटे वर्ष यदि कष्ट धनी हाँपाई बर्षे मानी हाँपाई पुरुषे अर्थात गोटे वर्ष जदि कौन विद्यार्थी निज जीवन में कष्ट सहे कष्ट सही सी पाठ पढ़े पाठ से मनोनिवेश कै सी निश्चित भाव बहुत एक उच्चतर सोपान को जापर से कौनसी चाषी जदि गोटे वर्ष परिश्रम करे, कौन व्यवसाय जदि गोटे वर्ष परिश्रम करे, तेल निश्चित भाव से बहु किसी धन अर्जन करीवन गतिपथ को संपूर्ण भाव में परिवर्तन कर दे पार जदि यही भाव से आलस्य एक आमर प्रधान शत्रु ताकू ही त्याग कर
ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତତର ସୋପାନକୁ ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋରାଲିଟି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନବିକତା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ଦାନବିକତା ବା ପାଶବିକତା ବା ହତ୍ୟା ଲୁଣ୍ଠନ ଏହାର କୌଣସି ଅବତାରଣା ସେ କରିନାହାନ୍ତି କେବେ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସଂଯମ, ନିୟମ, ବ୍ରତ, ଯମ, ଆଚରଣ, ଶୁଦ୍ଧତା, ପବିତ୍ରତା ଆଦିର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ପଙ୍କ୍ତିରେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଚାଲିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଗୀତାରେ ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ରଣ କରୁଛେ ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥରେ ବହୁ ବହୁ ମହାରଥୀ ତଳି ପଡ଼ିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ହତ୍ୟା ହେଲେ, ହିଂସାର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ରକ୍ତର ନଦୀ ବହିଲା, ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଜି ଗୀତାରେ କରାଯାଇଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜୁଛି ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭିତରେ ଏଭଳି ହିଂସାର ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାନଃ ଅଧିକୃତ୍ୟ ଯତ୍ ପଠ୍ୟନ୍ତେ ତତ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାକୁ ଅଧିକାର କରି ଯାହା କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଦୈହିକତା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ସେ ପାଇଁ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ମନମନା ଭବ ମଦ୍ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟାଜିମାଂ ନମସ୍କୁରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଜୁନ ତୁ ମନଟା ମୋ ପାଖରେ ଦେ, କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ କର, ତୁ ମନ ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ଦେବୁ ତେବେ ଯାଇକି ତୁ ମଧ୍ୟାଜି ହେଇଯିବୁ, ମଧ୍ୟାଜି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ ତୁ ଧାରଣ କରିବୁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଯେତେବେଳେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ବା ସେଥିରେ ଯେଉଁ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲେଖି ଦିଆହେଇଛି, ସାମାନ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ହିସାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ହିଂସା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲା, ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏସନ୍ ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛୁ ବା ସନ୍ଦେହାତ୍ମକ ବା ବିରୁଦ୍ଧାତ୍ମକ ଭାଷ ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛୁ ଯେ ଗୀତା ପ୍ରକୃତିରେ ହିଂସା ପାଇଁ କରାହେଇଥିଲା ବା ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ କରାହେଇଥିଲା କି ଅଧର୍ମ ପାଇଁ କରାହେଇଥିଲା ବା ହିଂସା ପାଇଁ କରାହେଇଥିଲା କି ଅହିଂସା ପାଇଁ କରାହେଇଥିଲା, ଗୀତାର ବର୍ଣ୍ଣିତ ହିଂସା ଥିଲା କି ଅହିଂସା ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଏକ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏସନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମେ ଗୀତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିରୁଦ୍ଧାତ୍ମକ ପକ୍ଷରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ହିସାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଗୀତାକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଜୀବନ ଆଦର୍ଶ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ତା'ର ପଜିଟିଭ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆମର ଜୀବନ ଉପରେ ସେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ପରନ୍ତପ ହୁଅ, ତପସ୍ୱୀ ହୁଅ, ଯୋଗ ସାଧନ କର। ତପସ୍ୱୀ କିଏ ହେବ? ଯେ ନିଜର କାମ କ୍ରୋଧାଦି ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ଅଛି ତାକୁ ଯିଏ ଜିତିପାରିବ ସେହି ପରନ୍ତପ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କର କାମ ବିକାର ଏବଂ କ୍ରୋଧ ବିକାର ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରେ। ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତା'ର ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର ହୁଏ ନାହିଁ, ଫଳରେ ସିଏ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖରାପ କାମ କରିବ ସେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜୀବନଯାକ ସେ ଦୁଃଖ ପାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ଘର ଘର ଭିତରେ ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ, ବାପା ମାଆ ମଧ୍ୟରେ ଯେଭଳି ପ୍ରକାରର କ୍ରୋଧର ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି, କେହି କାହାକୁ ସଂଯମତା କରି ଆଚରଣ ଶିଖୁନାହାନ୍ତି, ଅସଂଯମତା ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଯେଭଳି ପ୍ରକାରରେ ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତା ପାଇଁ କିଏ ଫାଶୀ ଦେଲାଣି, କିଏ ବିଷ ପିଇଲାଣି, ତ କିଏ ଜେଲ୍ ଗଲାଣି, ଏସବୁ କାହା ପାଇଁ ହେଇଛି? ଇଏ କେବଳ ଆମର ଏଇ ଅସଂଯମ ଆଚରଣତା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଗୀତାର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା, ଗୀତାର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ, ଗୀତାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ପରିବେଷଣ କରିଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ନେବା, ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାରରେ ନେବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ଶାନ୍ତିମୟ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଗୀତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୀତାର ପ୍ରତି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗୀତା ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନରେ ଯେଭଳି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ହେବ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାହାର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷିକାଗଣ ଜିଜ୍ଞାସୁମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଜୀବନ ଗୀତା ହେଉ, ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଗୀତା ସଦୃଶ ହେଉ, ଆଦର୍ଶ ହେଉ। ତେଣୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନ ଆଦର୍ଶବତ୍ତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ, ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାରର ଆଦର୍ଶ, ଯଦିଓ ସେମାନେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଭାଇ ଭାଇର
जो प्रकार मान्यता थिला ताहा मध्ये समानक भितरे गीता रे परिप्रकाश कर दिया आइछि। तेन सही भली प्रत्येक क्षेत्र रे गीता रा वर्णना अत्यंत हृदयस्पर्शी एवं विरल। गीता रा पंचदश अध्याय रे लिखा आइछि अर्जुन ऊर्ध्वमूल दशाख अश्रुतं पाहुरव्यं चंदांशी जस्तपन्नानि जस्तं वेद सवेदवित्, अर्थात जे गछर मूल रहिला उपरे एवं गछर डाळ गुडी सब तल को विस्तार हो आसी। ये हूँ सृष्टि चक्र कथा कहुई जोटि की परम पिता परमात्मा जी सारा सृष्टिर क्रिएटर बा डायरेक्टर सी रोच्च परम धाम रे एवं सारा सृष्टिटा हूँ तल को उड़ी आसी। तेणु यही भाव में जी से ज्ञान को ग्रहण कै से हूँ वेदवीत अर्थात विज्ञ। तेणु यही प्रत्येक अध्याय गीतार जो वर्णना रही से सबू संपूर्ण भाव योग शास्त्र प्रमाण देउछि एवं गीतार प्रति अध्यायर शेषर जो वर्णना अच्छी इति योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे, अर्थात गीता हूँ संपूर्ण भाव योगशास्त्र जो योग कि कर्मजोग भक्ति योग ज्ञान योग विषाद योग प्रति अध्याय शेषे योग शब्द ही लिखाई जोटि योगशास्त्र योग शब्द लिखाई योग अर्थात आत्मा एवं परमात्मार संयोग बा आत्मा एवं परमात्मार मिलन। तेणु आत्मा परमात्मा मिलन समय रे कौनसी प्रकार रक्तर नदी बहिवार प्रश्न ही ना बा कौनसी प्रकार हिंसार तलवार युद्धर प्रश्न ही ना। तेणु आम बुझा उचित जे गीता शास्त्र हिंसक युद्धर प्रेरणा देना, गीतार शास्त्र अहिंसा युद्धर प्रेरणा ही दे। तेणु आम जीवन रे हिंसा को परिहार करी आम अहिंसा मार्ग में चलिबा या ही गीता आमको शिक्षा दिए। तेणु आम प्रत्येक दिन प्रति समय रे गीतार बहुत किसी कथा लिखाई क्लिष्ट भाषा रे बा ईश्वरीय विश्वविद्यालय रे परम पिता परमात्मा जो शिक्षा दौंती सहित से गीतार सामंजस्य बहुत किसी रही गीतार सकारात्मक विचार ही कर शिक्षा दिखाई जोटा कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो प्रथम उद्योक्ता प्रजापिता ब्रह्मा से जड़े बहुत बड़ भल गीता पाठी थिले। से प्रथम ओम मंडली नामक एक संस्था स्थापन करथिले एवं सेथिरे से प्रथम गीता ही पढ़ाऊ। तेणु तांकु दादा लेखराज हिसाब से सारा पाकिस्तान कराची सहर से मान्यता थिला समस्ते पाखु गीता ही शुणुले। किंतु जितने ईश्वरीय विश्वविद्यालय ज्ञान रे से आसिले बा परम पिता परमात्मा तांक भितरे प्रवेश कले दिव्य ज्ञान लाभ हला सेतबेले सही गीता से पढ़िले किंतु तार नेगेटिविटी छाड़ी से पॉजिटिविटी आड़ को आसिले अर्थात सकारात्मक चिंताधारा आसिले परमात्मा हेले श्रीकृष्ण बा भगवान बा ईश्वर एवं मुली अर्जुन। तेणु यही जो सी चिंताधारा ने ऑटोमेटिक कौन है जीवन परिवर्तन है। तेणु यही एक व्यवहारिक पक्ष गीता विषय आम आगक आहरी बहुत आलोचना करवा। तेणु आमको गीतार नेगेटिव कथा छाड़ी आम यदि पॉजिट आड़ को आसवा तेल निश्चित भाव में आम जीवन परिवर्तन हो किसी संदेह ना। कह गीता सुगीता कर्तव्या किमंत शास्त्र विस्तरे जा स्वयं पद्मनाभश्य, अर्थात गीता जहाँकि स्वयं पद्मनाभ अर्थात विष्णु मुखर निःसृत होता जोटा कहुई भगवान निजे गीतार कही अर्जुन सेन उभय रथस्थापय अच्युत अच्युत जितेबले धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र भितरे युद्ध उपजुची से तुम्हें दुई सेना मध्य मोर रथटा को नहीं रख मुझे देखी किए कौन युद्ध करती पंक्ति रे भगवान जो शिक्षा देती तार वास्तविकता बहुत अधिका रही आम ताको पॉजिटिव अर्थ में निजर जीवन प्रति एप्लीकेशन करवा दरकार। तेनाली कहुई तीन बजे उठेज भगत, चार बजे उठेज ज्ञानी, पाँच बजे उठेज ठगत। तेणु देखु आज आम समस्ते सका उठी प्रत्येक फूल पाछिया नहीं फूल तोलिया जाऊँ अन्न बाड़ी में फूल लगाई अन्न जड़े फूल लगी कि आम जाऊँ फूल तोली आम आणिकी फूल ठाकुर उद्देश्य अर्पण करुचु कि चिंता करवा दरकार आम निजे से गछटी कमाणी करूँ निजे फूलटी सृष्टि करना तेणु अन्नर फूल आनी अन्न जन को दि जाए तर से फलटी क्या पाखक जीव कर्म कौन अकर्म कौन एवं विकर्म कौन ता गीतार वर्णना कर दी जाए कौ कर्म कले आमर फल कि प्राप्ति हेब कौ कर्मर फल सुफल हेब एवं कौ कर्मर फल विफल हेब एवं कौ कर्म फल दुखदायी हेब कौ कर्म फल सुखदायी हेब ता गीतार स्पष्ट कर दी जाए कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेशु कदाचन, अर्थात अर्जुन तुम्हें कर्म पर तुम अधिकार अच्छी
किंतु फल तुम अधिकार सब्यस्त करना अर्थात भविष्य तुम कौन फल मिल तुम ब्रत हो कौन कर्म लोभरे तुम कर्म करना फल लोभरे कर्म करना तुम्हें संपूर्ण भाव कर्ममय कर्म कर अर्थात कर्मजोगी हो कर्म कर परफेक्ट कर्म कर तेणु वर्तमान समय उपरे आमर अधिकार रही तेणु आमे जदि वर्तमान समय को बेस्ट यूटिलाइज करवा तेणु सुकर्मर फल निश्चित भाव सुफल ही हम तेणु यही जो गीतार वर्णना करमफल हिसाब से तेणु आज देखु आम रोगी हो जाऊे आम भावचे ये जन्म में बहुत भल कर्म कर दुख देना कितु मुझे रोगी हैली मोर धन कहीं लुटिगला मुझे कहीं देवाला मारिगली मुझे कहीं बीमारी होगली मो पर कहीं डिस्ट्रेस है मो पाखे बहुत धन अच्छी कि मानसिक शांति कहीं ना ये हूँ आम समस्त कर्मर फल तेणु जितेबाला आम कर्म करुचु निश्चित भाव काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वशभूत हो वशीभूत हो जब कर्म कर कर्मर फल निश्चित भाव ताही प्राप्ति हे कहुची एव्री एक्शन हेज इट इक्वाल एंड अपोजिट रिएक्शन आपण टेका फोपाड़े आपण पथर थुआई आपण छेप फोपाड़े आपण निश्चित गाड़ी थुआई मु नईपे आपड़ जड़े बड़ लोक को उत्तर देदे आपड़ बड़ लोक जड़े आपको किसी कहीपे जी सान पा प्रति आप खराब व्यवहार कले सान पा आपको कही नपे कि आउ जड़े बड़ लोक तार अव्यवहित पर निश्चित भाव आपन को इनसल्ट कर तेणु कर्म जदि आम ठीक कथा करश्चित भाव कर्मर फल सदृश आम भल फल पाइबा एवं भल फल पाइले पूर्वजन्म एवं परजन्म भल हम एमात्र सन्देह ना जदि कंटा मारू आम भावु जो प्रकृति में आम तो कंटा क्या मड़ेनु कौन दुख क्या देनी मत आज कहीं दुख है निश्चित भाव ये शो करुच्ची कौन कर्म आम करदर निश्चित भाव कंटा भंकु तापर आमको आज से कंटाटी बाजला कहीं ना आम जदि आज जाऊ रास्त जाऊ कन जो चोरी नहीं निश्चित भाव में दस वर्ष पर आज पांच टंका चोरी नहीं दस वर्ष पर सी तार इंटरेस्ट कि सी पाँच टंका हम एवं आपणकर दिन से धन लुटिज से आप भावे मुझ तो क्या धन लुटि नी ना तेना जन्म बाय जन्म आम जो कर्म करुचे तार कि प्री डिपोजिशन आम पाखे रोचे तेणु सामान प्रतिक्रिया जब रही आम यही ज्ञान जब आम पाखे रहा निश्चित भाव में कर्म करवा बेले आम ध्यान दवा एवं कर्मर एटेनसन दे आम टेनसन कमिज एटेनसन रमी ध्यान रमी का प्रति ध्यान सुकर्म प्रति ध्यान शुभ चिंतन प्रति ध्यान तेणु आम से जोबले शुभ चिंतन करूना सुकर्म प्रति ध्यान दौन कुकर्म कर चलु कर्मर फिलोसफी आम नलेज ना तो निश्चित भाव में आम कर्म करू भावु कर्म करुचु भल कर्म करुचु सका उठी लोक दान देलु दस पैसा तो भंडार रखिलु ठाकुर उद्देश्य देलु किंतु से धन कुआडे गला एवं से धन जा कौन है यदि सी शुभकर्म न लगला तार निश्चित भाव सी आम प्रति हार्मफुल हम तेणु से कर्मर हिसाब अनुसार आमको जानवा दरकार जे सुकर्म कौन विकर्म कौन तेणु ये सब ज्ञान ईश्वरीय विश्वविद्यालय सका सन्ध्याल पर्यंत शिक्षा दिहि सिस्टमेटिकली स्टडी जोटि की स्वयं परमपिता परमात्मा ईश्वरीय विश्वविद्यालय निजे आसी शिक्षा दौंट जहाँकि गीता ज्ञान शिक्षा दौंट आज जहाँ आधार रे द्वापर युग लिखा जीव गीता शास्त्र आज गीता शास्त्र एवं वर्तमान दि जा गीता ज्ञान समान जिनस किंतु प्राक्टिकल एप्लीकेशन हूँ गीता ज्ञान एवं थ्योरी है गीता शास्त्र ईश्वरीय विश्वविद्यालय शिक्षा दि जा नैतिक शिक्षा को आप निज जीवन में नियंतु एवं शिखा को जानवा को व्रती हूँ और आग्रह प्रकाश करूँ तार निश्चित भाव में आपण जीवन फूल भली फुटी उठ शांति जीवन जापन करेंगे अच्छा ओम शांति। साजी तुम्हें ध्रुव तारा भोर कली रात्र पाहंती प्रहरे साजी तुम्हें ध्रुव तारा कल परे थारे आसी संगम रे कल परे संगमरे आत्मा को करुछ हीरा।
আজি তুমি ধ্রুব তারা ভোর কলি রাত পাহান্তি প্রহরে সাজি তুমি ধ্রুব তারা ज्ञान दे नयन हीनकु दिव्य नेत्र देल परा तुम परसरे दूर होई जाए जेते दुख कष्ट जरा खोजुथिला मन জন্মে খোঁজুথিলা মন এ অন্তিম জন্মে তুমি আসি দেল ধরা সাজি তুমি ধ্রুব তারা ভোর কলি রাত্র পাহান্তি প্রহরে সাজি তুমি ধ্রুব তারা মিলনরে নয়ন ঝরাই আনন্দর অশ্রুধারা সত্য যুগরে মিলিব নিয়াও তুমি স্নেহ আশ্রা সঙ্গমরে কলপরে থরে আসি সঙ্গমরে আত্মাকু করুছ হীরা সাজি তুমি ধ্রুব তারা ভোর কলি রাত্র পাহান্তি প্রহরে সাজি তুমি ধ্রুব তারা ভোর কলি রাত্র পাহান্তি প্রহরে সাজি তুমি ধ্রুব তারা কলপরে থরে আসি সঙ্গমরে কলপরে থরে আসি সঙ্গমরে আত্মাকু করুছ হীরা সাজি তুমি ধ্রুব তারা সাজি তুমি ধ্রুব তারা সাজি তুমি